हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, करने वाला हूं आज भी लाइव ट्रेडिंग, लेकिन आज दोस्तों मेरे पास इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। देख सकते हो 12,000, इसमें से 10,000 रियल बैलेंस है और बाकी का 2,000 जो है बोनस है। और इसमें 10,000 में भी तीन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। एक ने किया है 4,500, एक ने किया है 4,000 और एक ने किया है 1,500 रुपीज़। सो दोस्तों, आज का मुझे जो है इस 10,000 को 20 में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैं 3,000 रुपीज़ की फर्स्ट ट्रेड करने वाला हूँ। एंड चलिए देखते हैं कहाँ कर सकते हैं, मुश्किल तो होने वाली है। ऑलरेडी आज सारे एसेट्स जो है फ्लक्चुएशन कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अल्ट कॉइन इंडेक्स में ही ट्राई करते हैं। अच्छी खासी मुश्किल जो है मुझे होने वाली है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तीन ट्रेडर्स जिन्होंने ऑलरेडी मुझे इन्वेस्टमेंट दिया है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत रिक्वेस्ट की थी मुझे इन्होंने, तो मैंने बोला क्यों ना चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो मैं रेडी हूँ अभी फर्स्ट ट्रेड लगाने के लिए। ओके, तो दोस्तों मैंने 3,000 रुपीज़ आपके लिए लगा दिए हैं। देखना है अगर ये ट्रेड जीतता हूँ मैं तो अगली ट्रेड में 3,000 की ही करूँगा, अगर ये ट्रेड हारता हूँ तो भी मुझे शायद नेक्स्ट ट्रेड 3,000 की ही करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। 10,000 रुपीज़ से 20 करना एक बहुत ही चैलेंजिंग है मेरे लिए, कि एकदम स्लाइटली ग्राफ नीचे है, एकदम स्लाइटली, जिसके वजह से हम लोग को यहाँ पर अर्निंग ज़ीरो दिखा रहा है। ऊपर जाना चाहिए ग्राफ और थोड़ा सा नीचे आ गया, देख सकते हो आप। ठीक से देखोगे तो दो बार ग्राफ एकदम कम कम लेवल पर नीचे आए हैं। चलिए 3,000 की फर्स्ट ट्रेड हार चुके हैं हम लोग, एक स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने। ओके, अगेन 3,000 की करते हैं इस बार, डाउन के लिए ट्राई करते हैं। ओके, 3,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर डाउन के लिए लगा दिए हैं। होपफुली ये ट्रेड मैं जीत जाऊँ, बिकॉज अगर ये ट्रेड हार गया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर चला गया है ग्राफ्स। ओके, वेट करते हैं। फिफ्टीन सेकेंड्स, अभी भी ग्राफ ऊपर है, ग्राफ नीचे आ जा भाई मेरे, वरना ये ट्रेड अगर हार गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। कम ऑन, 5 सेकेंड्स है, आ जा नीचे, आ जा। 3, 2, 1 एंड लॉस। हाँ, दो ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस। अभी देखते हैं कितना लगा सकते हैं, मैक्सिमम ट्रेड अभी कितनी की होगी, क्योंकि रियल बैलेंस सिर्फ 4,000 है और 4,000 में प्लस 780 यानी कि 4,780। ये ट्रेड अगर जीते हैं तो बचेंगे, वरना गए। चलिए अब के लिए मैंने यहाँ पर 4,780 रुपीज़ लगा दिए हैं। अगर ये ट्रेड हार गया तो ख़त्म, फिर देख सकते हो अब मैं कोई ट्रेड नहीं लगा सकता हूँ। ओके, एक क्या हो गया, अच्छा ओके, अभी भी अर्निंग कुछ नहीं है, ना ही लॉस है ना ही प्रॉफिट है। मान भाई थोड़ा सा ऊपर चला जा, थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी दो ट्रेड हार चुका हूँ, अगर ये ट्रेड हार गया तो दिक्कत। ओके ओके ओके, स्लाइटली एकदम स्लाइटली ऊपर गया है ग्राफ, हाँ एकदम स्लाइटली, देख सकते हो आप। 3, 2, अब बहुत ज़्यादा हो गया, सक्सेसफुल। ओके फाइनली दोस्तों, दो ट्रेड हारने के बाद मैं तीसरी ट्रेड जीता हूँ। इस बार भी सेम ट्रेड करूँगा, बस फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए यार। चलिए डाउन सोच रहा हूँ, डाउन डाउन के लिए बेटर रहेगा। ओके 4,000, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक अच्छी हाइट हमको मिल चुकी है, एक बहुत ही प्यारी हाइट हमें मिल चुकी है। चांसेस तो है नीचे जाने के, बट चलो मतलब ऊपर जाने के चांसेस है, बट नहीं जाएगा। ओ भाई नहीं जाएगा बोला, ऊपर चला गया तो। चलिए न्यू डील करते हैं, शायद ये वाली डील हम जीत जाएंगे, जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो अभी और एक ट्रेड में 3,585 रुपीज़ की लगा दी है, जो कि मैक्सिमम लगा सकता था मैं।
अरे यार ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं चलो। अरे यार ये दिल में लगी, बहुत 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 दिल में लगा ये चीज़ मुझे। मतलब जी पूरा टाइम ग्राफ नीचे था, एक अच्छी हाइट पर थी हमारा, एंड ये बहुत बुरी तरह से हम हारे हैं। अब ये ट्रेड कैंसिल भी करके कुछ मतलब नहीं है, इसमें ऑलरेडी हमारा बोनस ऐड है। अगर कैंसिल भी करूँगा तो 200-300 रुपये मिलेंगे, तो बेटर रहेगा कि वेट ही करते हैं। हाँ लगता है ये ट्रेड भी हम बुरी तरह हारने वाले हैं। आज आज फ्लक्चुएशंस है, EUR USD इस एसेट में भी बहुत फ्लक्चुएशन है, बाकी सारे एसेट्स में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है। बट ठीक है यार, क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ लॉस 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 लॉस, इन्वेस्टमेंट हम हार चुके हैं। अब ये 1220 रुपये बचे हैं, इसमें एक ट्रेड लगा देता हूँ मैं। कहाँ लगा दूँ अब ज़्यादा ग्राफ स्टडी तो क्या ही कर सकता हूँ। अब एक तुक्का ही मार देता हूँ, शायद वो काम आ जाए। लग जा भाई अब के लिए। हाँ लगी, जब एकदम एट द टॉप आए तब लग गया, वाह। और जैसे ही मैंने आपके लिए लगाया वैसे ही ग्राफ नीचे भी आया है। अरे भगवान, लगता है आज आज का दिन बहुत ख़राब है। दिक्कत दिक्कत दिक्कत, इतने सारे ट्रेड्स में जस्ट मैं एक ट्रेड जीता हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। टोटल मैंने 6 ट्रेड की, 6 में से ये तो ये भी हार ही गया, समझो 6 ट्रेड में से बस एक ट्रेड जीता हूँ मैं, बहुत बुरा लग रहा है। तो आज दोस्तों 3 ट्रेडर्स को लॉस हो गया। चलो ये मानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं था, लेकिन उन ट्रेडर्स के लिए इन्वेस्टमेंट बड़ा था। यानी कि कुछ लोगों के लिए दोस्तों 1500 भी बहुत बड़ी बात होती है, उन्होंने मुझ पर भरोसा करके दिए। बट कुछ नहीं कर सकता, अभी इतना तो है कि जिम्मेदारी उनकी थी, अगर लॉस भी होता है तो मैं भर के नहीं दूंगा। पहली बात तो मैं नहीं लेता हूँ इतना कम इन्वेस्टमेंट, बट उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की एंड इसके लिए मैंने सोचा कि चलिए शायद मैं किसी का भला कर दूँ। बट बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा अगली बार जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं उनको जो है अगली बार रिकवर करके दूँ। तो ट्रेडर्स मैं जैसे कि बोलता हूँ कि आप जितना मुझे इन्वेस्टमेंट देते हो कम से कम उम्मीद रखो। यानी कि अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट देते हो तो मुझसे उम्मीद सिर्फ 1,000 या फिर 2,000 की रखो। अगर आप मुझे 10,000 इन्वेस्टमेंट दो के 20,000 की ये रखते हो आशा, तो फिर दिक्कत की बात होने वाली है। यहाँ पर भी वही हुआ, जो भाई ने मुझे 4,000 दिया उनकी उम्मीद 8 की थी, यानी कि डबल। जिन्होंने मुझे 4,500 दिया उनकी भी उम्मीद डबल की थी, और जो 1.5 के उन्होंने दिया 1,500 उनकी भी उम्मीद डबल की थी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा बड़ा अमाउंट से भी ट्रेड किया, लेकिन बैड लक। देखिए हर बार प्रॉफिट ही नहीं होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक ट्रेडर को ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं होता है। मुझे भी कभी कभी लॉस होता है जैसे कि आज हुआ, लेकिन मुझे मैक्सिमम उस टाइम पर लॉस होता है जब इन्वेस्टमेंट कम होता है। बिकॉज जब इन्वेस्टमेंट कम होता है तो पहले बात तो मुझे दिल से इंटरेस्ट नहीं आता है ट्रेडिंग करने में, और ऊपर से रिकवर करने के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं। लॉस हो गया, बहुत बुरा लग रहा है, और मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगा उन ट्रेडर्स के लिए। कोई बात नहीं, लेकिन मैं अगली बार आपका लॉस पक्का कवर कर दूंगा, बस अगली बार अच्छा इन्वेस्टमेंट देना। दोस्तों कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।